नमस्कार किसान भाइयों, किसान की सोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आपने अभी एक दो दिन पहले देखा था, ताऊ जी ने इस खेत में से गेहूँ उठाए थे, लान निकलवा के फिर रातों रात भूस ढोया, फिर सुबह से इसमें मतलब हैरो चलाई, टीलर चलाया और खेत तैयार कर दिया। अब आप देख लो इसमें जो है कितनी बढ़िया नमी निकली आई है खेत में, और ये गन्ने की बुआई हो रही है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बीज चढ़ा चढ़ा कर डाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं इस तरह से बीज फैलाया जाता है हमारे यहाँ पर लाइन के हिसाब से, और ये खूड में पहिया डाल के खूड पाड़ा जा रहा है। और बब्बू भाई जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये सामने सैली है, सैली बढ़िया चल रहा काम। दोस्तों बच्चे जो हैं पूरे आज मतलब कल से ही काम चल कर रहे बढ़िया से, क्योंकि खेती का काम ऐसा होता है दोस्तों, इसमें लग के ही करना पड़ता है, अकेले आदमी का काम नहीं है वो। अब देख लो बब्बू भाई जो है लेजर से खूड़ पाड़ रहे हैं, और लेजर जो है हल्का सा पट्टी पे पहिया दबा के चलाना पड़ रहा है। तो देखो कितने गहरे खूड निकाल रहे हैं बब्बू भाई। राम राम। सुखे में बो दिया, 8 दिन का लगेगी। 8 दिन तो देखे जाएंगे, पर धूल की तो खा रहे जाते हैं। धूल तो ये उसमें भी खाई है, ऐसी खाई। हाँ। तो दाढ़ी जब भी कटेगी, जब सब काम निमट जाएगा, कल को काम निमट जाएगा, मतलब आज ही काम निमट जाएगा। वाह वाह, बहुत ही फास्ट किसान है। और लेजर कितने इंच पर रखा है? अब 30 पे बो रहे हो? हाँ। दोस्तों ये देखो आप, लेजर जो है 30 इंच पे है, लागू खूड है, और पूरे लागू खूड है बढ़िया वाले। और मुझे लगा ये तो और भी चौड़ा हो जाएगा। हाँ, ये 36 लो, 36 तक हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। काफी बड़ा लेजर है, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ से फ्रेम बढ़वा दिया, थोड़ा चौड़ा करवा दिया। और चलो तो काट निकाल लो खूड। दोस्तों ये जो एस्कॉर्ट है, ये 91 मॉडल है, और कमाल की बात यो है, जब से ट्रैक्टर आया यो ऐसे का ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा बिल्कुल बढ़िया। और कई बार मैंने इनका कहा, मगर दे दो नया ले लो, ताऊ जी गोड़ मोड़ बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर की गांठ लगी हुई है बिल्कुल बढ़िया, किसी बात की भी दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के हल्के से टैर ही टैर घिस गया है, वैसे ट्रैक्टर गजब हो रहा है, चलने लायक। अगले टायर अभी ताऊ जी ने डलवाए थे सीजन से पहले ही, MRF शक्ति लाइफ के, वो इसमें वीडियो में भी दिख रहे होंगे शायद। तो बब्बू भाई अब इसमें खाद क्या क्या डाल लोगे? अभी फिलहाल कुछ नहीं, ऐसे ही मैडम मार दोगे? और खाद कब डाल लोगे? जब जब जुताई करोगे या पहली जुताई करोगे? पहला पानी देंगे। तो दोस्तों जैसा बब्बू भैया बता रहे हैं, अब इसमें ये कुछ भी मतलब खाद नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालेंगे दोस्तों क्योंकि इस समय इतना टेम्परेचर हाई है, जैसा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो आपने देखा होगा गन्ने की आँख जो होती है बीज की, वो मतलब जल जाती है भपके से। और DAP वगैरह जो भी लोग डालते हैं, वो एक मैंने वीडियो भी पीछे बनाई थी, उसमें अनुज भैया हैं डेयरी वाले जिनके पास फार्म ट्रैक 45 है, उन्होंने मुझे पेंडे फट गए थे वो दिखाए थे, तो वो DAP के जो हैं कुछ कण उस पर चिपके रह गए थे गन्ने की आँख पर, जहाँ गन्ने की आँख थी वहाँ भपके में वो फूक गए थे। है भाई, अरे पढ़ने की तो ऐसा क्या सारे दिन पढ़ोगे? अब ठीक है अपना खेती का काम। अरे भाई फीस जो है ना, फीस सारी वो इस गन्ने से ही जावे, यो मत भूल लो। अब डिस तो हो जाएगी सही, कोई बात नहीं। दोस्तों ये लड़का जो है ना नई रोशनी का है, ये चाहता नहीं हिल्ला करना, क्योंकि इसने अपने कमरे में AC लगवा रखा है, और आज आया है वो बड़े दिन बाद में, तो इसकी भी गलत बात नहीं। दोस्तों जिसे ठल्ली को पड़े पड़े मिल रहे पराठे, वो क्यों हिल्ला करेगा ससुरा। और चलो कोई बात नहीं भाई अपना छोटा। दोस्तों ये 30 इंच पे है, बब्बू भाई ने बताया जैसे 30 इंच पे बो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा हमारे ताऊ जी हैं उनका इंटरव्यू और ले लूं।
बंद कर दो ट्रैक्टर को, थोड़ा सा आराम दे दो। अरे तुम लोग कोई भी मास्क नहीं लगा रहे, धूल देखो कितनी उड़ रही है। कोरोना कहाँ रहा है, तो धूल से ज़्यादा खतरा। राम राम जी। ताऊ जी नमस्ते। ताऊ जी नू बताओ ना, तब मतलब कैसे करके हटोगे? मतलब कल भी चलाया ट्रैक्टर और गन्ने भी डाल लिया है और अब ईंख बोरे हो, तो मतलब इसका इतना काम करने का राज क्या है वो बताओ तुम थोड़ा सा। अच्छा मतलब अपना काम कर रहे बढ़िया, और इसे मतलब आल चोखी निकल गया नीचे, बिल्कुल सूखा था कल मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, वो बिल्कुल सूखा खेत था, अब इसमें बहुत जोर की आल निकल गई। अब तो ईमानदारी से नू बता दो थोड़ी सी बात दोस्तों, ये हमारे ताऊ जी हैं बड़े परिवार में, चौधरी दयानंद पूनिया जी, बब्बू भैया जो हैं उनके पापा हैं। तो ताऊ जी अब तो हम थोड़ी सी बात नू बता दो, इसमें कितनी कितनी जुताई करी आपने? तीन तो हैरो मारी। तीन बार हैरो करी, तीन फेरी पाटा लगाया मैडा मतलब। हाँ जी, छह बार। हाँ जी, दो फेरी टीलर खड्डा, आठ बार फिर पाटा लगाया, एक बार दो बार, एक बार और अब लेजर से खोल पाट रहे, मतलब टीलर एक ही बार करा? दो बार। अच्छा, टीलर दो बार कर दिया। हाँ। और तो पूरी आल बना दी? आल बना दी। थके नहीं? बिल्कुल फुल फुल। तो दोस्तों देख लो ताऊ जी हमारे कितनी मतलब, और उम्र कितनी हो रही होगी नू और बता दो? सत्तर होगी, प्लस हो रही सत्तर से। दोस्तों ताऊ जी की उम्र जो है 70 से प्लस है, लेकिन ताऊ जी इतनी हिम्मत से काम करते हैं, इन्हें देख के हमें भी जोश आ जा। और इधर चाचा जी हैं मदन, वो तो इंटरव्यू देने की वजह से थोड़े से परे कुछ चले गए, और इधर जो हैं बब्बू भैया लेजर से खूट पाट रहे हैं, और ये सबसे जो स्मार्ट बॉय हैं ये विपिन है। विपिन इधर देखिए, हेलो भाई, नू बता दे किस टाइम से लग रहे हैं आज? 3:30। और बीज वगैरह कब करा? सुबह कर गई। अच्छा दोस्तों, ये चाचा जी हैं मदन पूनिया, ये भी हमारे बहुत ही अड़ियल चाचा जी हैं, और देखो आप इनकी फास्टिंग कितनी है, मशीन की तरह बो रहे बिल्कुल। ये बीज ज़्यादा नहीं चढ़ा रहे आप? सही है दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं तो काम इसी तरह चलेगा, क्योंकि लेबर के अगर ऊपर रहोगे आप तो काम बिल्कुल नहीं चलने का, क्योंकि लेबर का हिसाब जो इस तरह का आ गया, लेबर समय पे नहीं आ पाती। अब 4-5 घर के हो गए, 3-4 बच्चे हो जाएं फिर तो काम एकदम चल जाए। एक आदमी की ड्यूटी ट्रैक्टर की होगी खोड निकालने की, और बीज गेर के गए थे सुबह, फिर काट के और कोच्छी बना दी, और अब जो है खूड आ रहा है, इतने खूड देख लो आप, ये दो खूड हैं, इसमें विपिन लग गया और इन्होंने खूड में ही डाल दिया, और परले वाले में भैया जो है ट्रैक्टर लेकर आऊँगा। तो कुल मिला के यो है, काम बड़ा सिस्टम से चल रहा है, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं। और कल तक जहाँ तक की उम्मीद है, कल के वार में सुबह जो है खेत में पानी आ जाएगा 11-12 बजे तक। तो दोस्तों ये तो हो जाएंगे निफराम, और हम रह गए पड़े के चक्कर में, हमें मुझे लगा आऊँगा चमस्सा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाई। और कोई भाई कुछ कमी निकल रहा है वीडियो में, तो अभी पापा थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, कमजोरी है थोड़ी सी, वैसे तो ठीक होगी आपकी सभी की दुआ से। तो भाई कुछ ही दिन में भी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे अपने, तो भाई ये शिकायत आप उनसे कर दियो, थोड़ा सा अजीब सा लगा जब आप बोल लो कि आप तेज़ बोल रहे हैं या मंदे बोल रहे हैं। तो कोशिश करियो वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।